नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ज़ायरा वसीम के फैसले की आलोचना करने के बाद रवीना टंडन ने मांग ली माफी, डिलीट कर डाला ट्वीट। बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन ने बीते दिन ज़ायरा वसीम के एक्टिंग छोड़ने के ऐलान के बाद किए गए ट्वीट के लिए माफी मांग ली है। इतना ही नहीं, रवीना ने अपने इस पुराने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में ज़ायरा के फैसले की निंदा की थी। इसकी वजह रही एक टीवी चैनल पर ज़ायरा के एक्टिंग के ऐलान के पीछे की हकीकत जानने की कोशिश करने वाली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद रवीना टंडन ने तुरंत ही ज़ायरा वसीम से अपने कड़े शब्दों के लिए माफी मांगते हुए अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया है। साथ ही कहा कि अगर ये सच है और ये उनकी एक्टिंग फील्ड छोड़ने की वजह है, या वो किसी दबाव में थी या अभी भी है, तो मुझे इस लड़की के लिए बेहद दुख है। क्या उन पर कट्टर पंथियों का दबाव था जिसके चलते उन्होंने लंबी पोस्ट लिखकर ये बात कही? वो नए जमाने की कई सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। इसके बाद रवीना ने लिखा, मैं ये सब देखने के बाद उन्हें गुड लक और ढेर सारी हिम्मत मिलने की दुआ करती हूँ। मैं अपने पुराने ट्वीट के लिए माफी मांगती हूँ जो मैंने उनके स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद दिया था कि उन्होंने दबाव में आकर ऐसा लिखा हो जो मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सिनेमा से और फिल्म इंडस्ट्री से प्यार करते हैं जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, पुराने ट्वीट को डिलीट कर रही हूँ जो थोड़ा कड़ा प्रतीत हो रहा है। आपको याद दिला दें कि रविवार को ज़ायरा वसीम ने एक बेहद लंबे पोस्ट के जरिए अपने बॉलीवुड को छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद से ही बॉलीवुड दो भागों में बटा हुआ था। कुछ लोग जहां उनके फैसले का समर्थन कर रहे थे तो कुछ कड़ी निंदा करते नजर आ रहे थे। बता दें कि ज़ायरा वसीम के सपोर्ट में नगमा भी आकर खड़ी हो गई थी। वही दंगल के डायरेक्टर ने ज़ायरा वसीम के यूं अचानक बॉलीवुड छोड़ने की खबर को सुनते ही काफी दुख प्रकट किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़ायरा वसीम का बॉलीवुड को यूं छोड़ने का फैसला उनके फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और अब देखिए ना, रवीना टंडन ने भी ज़ायरा से माफी मांगते हुए अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।